नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान समृद्ध हो, देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती रहे और कृषि का सतत विकास हो, ये प्राथमिकता है और चुनौती भी। स्वाभाविक है, इन चुनौतियों का सामना करने में कृषि शोध का महत्व बढ़ जाता है। इस विषय पर जब हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का योगदान उल्लेखनीय हो जाता है, जिसका 54वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ पूसा नई दिल्ली में। आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम इसी पर केंद्रित है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अरंडी वायदा मामलों में NCDEX की कार्यवाही, बासमती चावल के निर्यातकों को ईरान से आस। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना और अब खबरें विस्तार से। कैस्टर सीड अरंडी बीज वायदा में गड़बड़ी करने वाले चार ब्रोकर कंपनियों के कारोबार करने पर NCDEX ने रोक लगा दी है। NCDEX के मुताबिक अरंडी बीज के मामले को लेकर दोषी पाए जाने वाले ब्रोकरों पर कारोबार करने पर रोक लगाई है। साथ ही एक्सचेंज ने इन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। जिन्स एक्सचेंज NCDEX द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अरंडी बीज में गड़बड़ी के मामले को लेकर एक्सचेंज ने जाँच बैठाई थी, जिसमें कुछ ब्रोकर्स और उनके कुछ क्लाइंटों की भूमिका सामने आई है। NCDEX ने इन कारोबारियों के कारोबार करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने भी इस मामले में जानकारी मांगी है, जिसके जवाब में NCDEX ने मिड इंडिया कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, नियर ओशन लियो ग्लोबल और इन्वेस्ट स्मार्ट कमोडिटी नाम की दो कंपनियों पर रोक लगाने की जानकारी दे दी है। ये ब्रोकर्स अब किसी भी नई कमोडिटी में सौदा नहीं कर पाएंगे, इन्हें केवल पुराने सौदे करने की इजाजत होगी। NCDEX के अनुसार एक्सचेंज में वायदा कारोबार के नियम कायदे लागू होते हैं और उसी आधार पर कारोबार करने की इजाजत है। अगर कोई भी सदस्य वायदा कारोबार और एक्सचेंज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में दुनिया भर में जिन्स कीमतों में भारी गिरावट आई है। ऐसे में भारत से होने वाले बासमती चावल के निर्यात से होने वाली कमाई में भी कमी आई है, लेकिन अब ईरान को बासमती के सीधे निर्यात की सुविधा बहाल हो जाएगी, जिससे कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय बासमती चावल के ईरान को सीधे निर्यात करने की सुविधा के बाद बासमती निर्यातकों को अपनी कमाई में इजाफा होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में दुनिया भर में जिन्स कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे निर्यात में होने वाली कमाई में भी गिरावट आई है। ईरान को सीधे निर्यात से निर्यातकों के कुछ हौसले बढ़े हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में ऐसा निर्यात दुबई के रास्ते से किया जा रहा था, जिसकी वजह से दरें निचले स्तर पर थीं। कमाई में भले ही 34% की गिरावट आई हो, लेकिन अप्रैल सितंबर 2015 के दौरान निर्यात मात्रा में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कम कीमत पर मांग में बढ़ोतरी हुई है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश का अनुमान है। वहीं देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में छुटपुट बादल छाए रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि के सतत विकास में शोध का महत्व हमेशा रहा है। ये शोध देश की खेती किसानी में नई दिशा देने के साथ ही खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाते रहे हैं। इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का विशेष योगदान रहा है, जिसका 54वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। इस समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत में कृषि शिक्षा को वैश्विक स्तर के अनुरूप होने की अपेक्षा करते हुए संस्थान के छात्रों और शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि क्षेत्र में अध्ययन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को अग्रणी स्थान हासिल है। पूसा संस्थान के नाम से विख्यात इस संस्थान में कृषि शिक्षा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशी छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। अनुसंधान की दृष्टि से भी इस संस्थान ने महारत हासिल किया है। हाल ही में देश के इस प्रमुख संस्थान ने अपना 54वां दीक्षांत समारोह मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के 54वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वागत के साथ हुआ। राष्ट्रगीत के गायन के साथ शुरू हुए इस समारोह के संस्थान के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के अभिनंदन के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डायरेक्टर टी महापात्रा ने संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार की मदद से इस संस्थान ने अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से झारखंड और असम में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोले जाने की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। Thanks to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who laid the foundation stone of IRI Jharkhand on 28 June 2015. I shall now briefly present the major accomplishment of the institute during the year 2015. संस्थान के डायरेक्टर श्री महापात्रा ने फसल क्षेत्र के लिए संस्थान द्वारा विकसित 13 प्रजातियों के अलावा गेहूं और सरसों की उच्च वैरायटी के अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी का जिक्र करते हुए इसे पर्यावरण के अनुकूल बताया। व्हीट वैरायटी सुइटेबल फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में संस्थान के कई छात्र छात्राओं को शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी व कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गेहूं की उच्च 6 वैरायटी के अलावा फूल गोभी की उन्नत किस्म से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान बताया। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत के पास भूमि संसाधन का केवल 3% और जल संसाधनों का 5% है, फिर भी भारतीय कृषि प्रणाली विश्व की आबादी के 18% की सहायता करती है। इंडिया हैज ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड रिसोर्सेज एंड 5% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, येट Indian agricultural system supports 18% of the world population. राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ऐसी वैरायटी का विकास किया है
जिससे हरित क्रांति आई है। आयातित अनाज पर निर्भर रहने वाला देश भारत आज निर्यातक देश बन गया है। बासमती चावल ने पूरे विश्व में जगह बनाई है, इसके निर्यात में भी वृद्धि हुई है। इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स, दिस इंस्टीट्यूट हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन अशरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड बिल्डिंग ए वाइब्रेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर इन आवर कंट्री। I applaud IARI for the dedicated service to the nation. IARI has recently developed several breakthrough technologies, bringing prosperity to farmers. India's basmati rice export has been revolutionized because of IARI's short duration high yielding basmati rice varieties. Pusha basmati varieties accounted for more than 90% of the 30,000 crore rupees of export earnings this year. राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि संस्थान ने सॉइल टेस्टिंग मशीन, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर को विकसित करने के अलावा खादों के प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया है। डिग्रेडिंग सॉइल हेल्थ, डूइंग फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी आर पोजिंग मेजर कंसर्न्स फॉर एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। लो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स aims at providing farm-wise and crop-wise fertilizer recommendations to enhance fertilizer use efficiently. To my mind, IARI technologies like Pusha soil testing and fertilizer recommendations meter, remote sensing best crops and natural resource monitoring and decision support systems can contribute significantly towards this mission. Crops use 23% of the applied fertilizer, with the balance 77% lost to environment. To further increase the efficiency of fertilizer use, easy methods best plant tissue analysis for sensing nutrient status and making fertilizer recommendations are needed. राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार के प्रयास के कारण पर ड्रॉप मोर क्रॉप के प्रयोग से पानी का उपयोग बढ़ा है, दलहन और ऑयल सीड के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। The per drop more crop is a mission statement aimed at improving water productivity. We need technology solutions for smart water usage. It is heartening to note that several water-wise technologies like precision irrigation, Pusha hydrogel, zero-tillage wheat system, direct seeded rice system and short duration crop varieties have been developed by IARI. Scientists here must continue with their efforts to develop water efficient and drought tolerant varieties. Inappropriate treatment and unplanned use of raw sewage water is impacting agriculture substantially while posing a risk to consumer and environmental health. IARI's eco-friendly wastewater treatment technology should be able to provide safe irrigation water
for very urban agriculture and mitigate the problem of sewage water disposal. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the production of pulses and edible oil in India has remained insufficient, making us dependent on imports. The demand for these food commodities is expected to increase in future substantially. IARI has developed mustard varieties suitable for unconventional areas that can boost oilseed production. राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि 3 साल से कम उम्र के 45% बच्चे विटामिन ए व न्यूट्रिएंट की कमी के शिकार हैं। संस्थान ने ऐसी किस्में विकसित की हैं जिससे इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। 45% ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 इयर्स आर अंडर नरिश्ड इन इंडिया। ए लार्ज नंबर आल्सो सफर फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। To address malnutrition in children, food grains must be biofortified with quality protein and micronutrients. I am happy that IARI has developed a quality protein matrix, maize and iron and zinc rich wheat. Pearl millet and lentil varieties through molecular breeding and genetically modified golden rice enriched with provitamin. These technologies should reach the farmers immediately for alleviating the malnutrients in women and children. देश में कम वर्षा के बावजूद फसल उत्पादन बेहतर होने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि यह सब संस्थान के प्रयास के कारण ही संभव हो पाया है। कृषि को आमदनी का जरिया बनाया जा रहा है। Nature has not been kind to us this year as well. A deficient monsoon followed by a further dry spell is likely to affect agricultural production for the second year in a row. This is an area of grave concern. The time is right for some serious efforts, as 80% of the area under cultivation in India is in the grip of severe climatic conditions like drought, floods and cyclones. Global climate change could aggravate these problems. Institutes like IARI must leverage opportunities from frontier science such as biotechnology, synthetic biology, nanotechnology, computational biology, sensor technology and geospatial technology to develop climate resistance technological solutions. Innovation in agricultural techniques and practices must be supported through infusion of funds, mentoring of ideas and technical assistance. The risk-taking ability of farmers राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग की सराहना करते हुए कहा कि रूरल एग्रीकल्चर बिजनेस बढ़ा है। स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम से देश तरक्की कर रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रूरल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर on-farm processing and value addition and storage facilities are needed. Agriculture must be trained to
transform their farms into production cum processing centers. Research in our institutions must address the critical issues that hinder the development of rural agribusiness. Proliferation of the recently launched Startup India to the rural sector could provide fillip to the setting up of agro-based enterprises. संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट एमएससी करने वाले छात्र छात्राओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 54वां कन्वोकेशन प्रोग्राम था, जिसको कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी ने हमारे चीफ गेस्ट रहे, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जी ने हमारे जो 21 अवार्डीज थे, जो कि इंक्लूड करते हैं आईआरई बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट टीचर्स एंड दोज रिसर्च साइंटिस्ट जिन्होंने कि अपने ही फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उसके बाद हमारे संस्थान ने इस साल 200 से भी ज़्यादा एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स को एमएससी और पीएचडी की डिग्री प्रदान की। मैं ये बताना चाहूँगा कि यह संस्थान हमारे देश में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें नंबर एक है, और ये जो नंबर एक का जो रैंक है ये पिछले कई वर्षों से हम मेंटेन करते आ रहे हैं, और यह जो नंबर वन रैंक है ये हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत की वजह से है। इस साल हमने, हमारे संस्थान ने काफ़ी वैरायटीज़ जो रिलीज़ की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमने कॉलीफ्लावर, जो कि गोभी में एक ऐसी वैरायटी का उत्पादन किया है जो कि बीटा कैरोटीन रिच है। हम एक फूड सिक्योर नेशन तो हो गए हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योर नहीं हुए हैं, और उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे संस्थान ने बीटा कैरोटीन रिच कॉलीफ्लावर की वैरायटी का विकसित की है, और इसके अलावा हम राइस की भी वैरायटी जो कि आयरन रिच होगी उसका भी विकसित कर रहे हैं। ये कुछ इस संस्थान की बहुत सी उपलब्धियां हैं। संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में सम्मानित छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने के संकल्प के साथ आगे कृषि की बेहतरी के लिए काम करने को अपना उद्देश्य बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली का ये 54वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी आए थे, कृषि मंत्री भी आए थे, और इनके हाथों से पुरस्कार मिले हैं हमारे विद्यार्थियों को और वैज्ञानिकों को, और जैसे मुझे जो है वो उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2015 का मिला है। काफ़ी खुशी हो रही है, और हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि अपने विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दें, अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। इन माई PhD आई हैव वर्क ऑन इंक्रीजिंग द ऑयल कंटेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड, एंड इन विच आई हैव बीन सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग ऑयल कंटेंट टू अप टू 8%, विच इज इक्वलन टू इंक्रीजिंग द सीड यील्ड बाय अबाउट 20%। सो आई फील दिस इज एन गुड अचीवमेंट। मेरा नाम दीपिका सिंह है, और मैंने अपनी डिग्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन में ली है, PhD डिग्री, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द डिग्री फ्रॉम दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। विदेशी छात्रों ने भी इसे उल्लेखनीय बताया। माय नेम इज एंटोनियो योगबे, आई एम PhD होल्डर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई वाज एनरोल्ड इन 2012 इन दिसंबर। माय रिसर्च फोकसेस ऑन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, improving productivity, profitability and the soil ecosystem functioning. यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ
नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह से राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कही बातें कृषि के समग्र विकास के लिए हम सबका मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।